हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स इन हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दो क्रीमों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ इस बेल आइकन घंटे को भी दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्लीन स्किन क्रीम और पेंड्रम प्लस क्रीम, तो इन दोनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी जो आपकी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट करती है या नहीं, इससे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसको क्रीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो क्लीन स्किन क्रीम, तो आपको ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसकी प्राइस है लगभग 125 रुपये और 15 ग्राम की ये क्रीम आती है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट है डे में यूज़ करिए, नाइट में इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसकी साबुन आती है क्लीन स्किन, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही बेस्ट साबुन है। आप अगर आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स हैं, पेल मुहासे हैं, रोम छिद्र हैं, और आप स्किन आपकी जो चेहरे को है सुंदर निखारने में भी बहुत मदद करती है ये साबुन, इसकी साबुन है। यह क्रीम तो बेकार, बहुत ही बकवास है साइड इफ़ेक्ट है इसका, साबुन का उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, आप इसका यूज़ कीजिए, उसकी लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप अगर इस लिंक से आप इस प्रोडक्ट को मंगवाते हो तो छूट मिलती है आपको, और अन्यथा मार्केट से लेते हो तो पूरी जो पेमेंट है वो पूरा मिल आपको देना पड़ता है। तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डील लिंक डाल दी है, उस पर आप क्लिक कीजिए और ऑनलाइन घर पे मंगवाइए, ठीक है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, नाइट में यूज़ कर रहे हो तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, अगर इसका यूज़ कर रहे हो तो सन स्क्रीन क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी आपको करना है, ठीक है, डे में। और पेंड्रम प्लस क्रीम के बारे में बता देता हूँ, पेंड्रम प्लस क्रीम है ये भी बेस्ट क्रीम है दोस्तों। डे में इसका बिल्कुल भी यूज मत कीजिए, नाइट में आपको यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों, आप अपने स्किन को अच्छे से फेस वाश से साफ कीजिए, उसके बाद में गुलाब जल का यूज़ कीजिए। गुलाब जल के बाद में दोस्तों आपको पेंड्रम प्लस क्रीम का यूज़ करना है, हल्के हाथों से एक बार ही आपको यूज़ करना है। उसके बाद में 30 मिनट तक आपकी स्किन के ऊपर लगे रहने देना है, गुनगुने पानी से साफ कीजिए और आपको गुलाब जल का यूज़ कीजिए, दिव्य गुलाब जल। और इस गुलाब जल के बारे में भी वीडियो बना दूंगा, आप उसी गुलाब जल का यूज़ कीजिए। दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसकी जो साबुन है उसको मंगवाइए और आप इसका यूज़ कीजिए, और मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिखिए आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है आपकी स्किन पर। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों में क्रीमों में से ये बेस्ट क्रीम है, इसका कम साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन एक बार तो आपको स्किन के आपकी त्वचा को गोरा तो बना देती है, उसके बाद में बेकार कर देती है। मेरी यही राय है दोस्तों, आप डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद में इन क्रीमों का यूज़ कीजिए। दोस्तों, इसके साबुन का तो सलाह लें या ना लें, बहुत ही बेस्ट साबुन आती है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।